भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और मैंने गांव गांव में घूम के कसम खाई थी। एक बात इन दुश्मनों ने भी पकड़ ली, मैंने कहा टिकट चाहे मेरे दुश्मन को मिल जाए तभी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा, मैंने बच्चों की कसम खाई थी। इन्होंने वो वीडियो बना लिया और इन्होंने वही किया जिन उदयलाल जी ने मेरी जमानत जब्त करी थी उसी के हाथ में टिकट दे दिया। तो उनको लगा कि उदयलाल जी का टिकट मिलने के बाद तो हिम्मत सिंह पक्का भड़केगा और पक्का भड़केगा, पैसे वाला आदमी है, ताकतवर आदमी है, रोड पे रोड जाम कर देगा और सीपी जोशी घर में आराम से जाके लेट जाएगा क्योंकि सीपी जोशी कमजोर होगा, तब जाके ये लोग इस राजस्थान में राज करेंगे। अरे राज तो जब करेंगे जब अपनी सरकारें आएगी, अपने विधायक जीतेंगे। मैंने प्रण लिया है कि आप सबके आदेश से, क्योंकि भगवती लाल जी ने बार बार ये बात बोली है तो आपकी भावनाओं को मुझे समझना है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल खुला दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। फैसला आपका है, आप जो फैसला लोगे। अब अपन 10 मिनट फैसले की चर्चा करेंगे, लेकिन फैसला आपको लेना है, अपने को षड्यंत्र में फंसना है या इस षड्यंत्र से निकलना है। षड्यंत्र से निकलना है तो अपने को क्या करना है, क्या करना? चारों को तो हटाएंगे गुलाब सिंह जी, चारों को तो हटाने का प्रकल्प महादेव जी के सामने लेके मैं खड़ा हूँ। ये भाजपा में दुकानें तो बंद कर दूंगा, ये भाजपा की दुकानें तो बंद करनी है जो भाजपा के नाम से दुकान खोल के बैठे हैं और भाजपा में सिर्फ और सिर्फ भाजपा को लूटने का काम करते हैं। लेकिन अभी आप सबसे मेरा निवेदन है, फैसला आपके पास है, सुरक्षित है। उदयलाल जी को भी एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हम फैसला लेंगे तो जब भी अपन एक साथ बैठे और वो पानी लेके छोड़े हम सब कार्यकर्ता के सामने कि आगे भविष्य में कभी टिकट मिले या नहीं मिले, भाजपा को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम उनके साथ जाएंगे। अरे हम भाजपा मेरी माँ है, रोज कहते हैं भाजपा मेरी माँ है, इस माँ के साथ कैसे तुम अत्याचार करते हो, इस माँ को हटाने का काम कैसे करते हो। अगर ये माँ हार जाएगी तो हम कहीं के नहीं देंगे, ये कांग्रेस वाले मंत्री जी ने देंगे। आप सबसे मेरा हाथ छोड़ के निवेदन है, उदयलाल जी को भी ये बात बोलना और सब कार्यकर्ता को ये बात बोलना कि भाजपा को जीतने के लिए भाजपा के लिए ही सब काम करे, क्योंकि मैं तो वापिस चला जाऊंगा जहाँ आया हुआ। लेकिन ये भाजपा वाले नगर में नहीं जीती अगर तो ये दुष्ट लोग, ये अत्याचारी लोग और ये रावण में बैठे लोग कभी नहीं जाएंगे। ये भाजपा एक हो, भाजपा के लिए एक हो जाओ मेरे कार्यकर्ता बंधु, भाजपा के लिए एक हो जाओ। कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, मेरी भावना को आप समझो, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं 38 साल का हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती है। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे राजनीति नहीं आती है, लेकिन ये दिल की बात बता रहा हूँ। टिकट कट गया साहब, इन्होंने बहुत सारा पैसा तो मेरा उपचुनाव में खर्च करा दिया, बहुत सारा पैसा इन्होंने मेरे चुनाव के बाद भी खर्च किया आपके सामने, लेकिन मैं भाजपा को कैसे आ रहा हूँ आप बताओ, और इन षड्यंत्रकारियों के बीच में कैसे हूँ। आपसे मेरा निवेदन है, फैसला आपके पास है, फैसला आपको ही लेना है, और मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए आंसू नहीं बह रहा हूँ। इस बार जैसी पार्टी ने मेरी मेरे जैसे सामान्य आदमी को घर से निकाल के टिकट लाके दिया और तब पूरा राजस्थान मुझे जानने लगा, और इस भाजपा के पूरे राजस्थान के सारे प्रत्याशियों से मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बागी हो रहे हैं उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये जोड़ी फैला के ये बच्चा आपका भीख मांग रहे है कि भाजपा जैसी पार्टी को धोखा मत दो, ये देश जब भी बचेगा जब इस देश में भाजपा राज में आएगी, ये राजस्थान जब भी बचेगा जब राजस्थान में भाजपा आएगी, और ये वल्लभ नगर भी इन अत्याचारी कांग्रेसियों बेईमानों से जब भी बचेगा, जब वल्लभ नगर में भी भाजपा का कमल खिलेगा। व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे, अटल जी की बात को बार बार पढ़ो, जब भी कमजोरी महसूस करो अटल जी को याद करो, किन परिस्थितियों में उस आदमी ने पार्टी खड़ी करी, किन परिस्थितियों में उस आदमी ने इस कमल के फूल को जिंदा रखा, और आप अपने टिकट के लिए आंदोलन कर रहे हो, क्या मांगना चाह रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो, आप लोग किसको कमजोर करना चाह रहे हो, विधायक बन गए तब भी टिकट मांग रहे हो, मेरे को नहीं बनना विधायक, मैं आज से सौगंध लेता हूँ मुझे नहीं बनना विधायक, लेकिन आप भी ना लगे मत लगाओ, मेरी भावना को बोलने दो, लेकिन इन
बात कहना चाह रहा हूं कि मत दो इस मां जैसी पार्टी को धोखा, आप मत दो धोखा, जो जिनको टिकट नहीं मिला, जो विरोध कर रहे हैं, सब शांत हो जाओ, कार्यकर्ता हो एक हो जाओ। लोग बोलेंगे कि सेटिंग करके आ गया। एक कोई कार्यकर्ता है लोहार बल्ली का, अहमदाबाद से मुझे लिख रहा है, सीपी जोशी ने इसको पढ़ा के भेज दिया। अरे मेरे पास 25,000 आदमी काम करते हैं भैया, पूरे भारत में 25,000 आदमी काम करते हैं, 300 करोड़ की कंपनी चलाता हूँ, भगवान ने मुझे भी दिमाग दिया। मैं नाम से कह रहा हूँ आपको, नारायण लोहार बल्ली का, वो मुझे कह रहा है क्योंकि अपने अंदर क्या करा इन लोगों ने, कुछ आदमी तो हमारा सामने घुसा दिए, कुछ आदमी कांग्रेस ने घुसा रखे है और कुछ आदमी पता नहीं किस किस ने घुसा दिए है। काम तो भाजपा का करते हैं लेकिन वोट के टाइम में भाजपा छोड़ के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये लोगों से बचना है। मैं चाहूंगा गांव का ऑप्शन करने अगर आप सब कहोगे तो, लेकिन आपको कमल राजस्थान में सीपी जोशी जी को जिस हिसाब से ये लोग डाल रहे कमजोर करने की स्थिति में, आप सब हमारे सांसद है, वो प्रदेश के अध्यक्ष से पहले हम उनकी सब ताकत हैं। एक बार संकल्प मुट्ठी लेके आज ये जाओ कि भाजपा और सीपी जोशी साहब को मजबूत करोगे। आप ले लो संकल्प, आप सब भाजपा और सीपी जोशी साहब को मजबूत करोगे, और सीपी जोशी साहब क्योंकि अपने प्रदेश के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते उनको मजबूत करोगे। आज के बाद आप सबसे मेरा यही निवेदन है, बाकी निर्णय आपका है। आप जो निर्णय लोगे मेरे को मंजूर है, आप जो फैसला लोगे मुझे मंजूर है, आपकी शर्तों को मैं सीपी जोशी साहब के सामने रखूंगा। लेकिन पुनः मेरा निवेदन है, मोदी जी ने तो कहा था झोला उठा के चला जाऊंगा, मेरा क्या है, तो मैं भी कह रहा हूं कि मजदूरी मेरे पास है, फिर से मजदूरी करने चला जाऊंगा, मेरा क्या है। लेकिन एक सामान्य कर्ता जो साधारण से गांव में रहता है, वो ये उम्मीद लगाता है कि कभी पटवारी मेरे से पैसा मांगेगा तो मेरे बूथ अध्यक्ष के पास जाऊंगा और मेरा बूथ अध्यक्ष फोन कर देगा तो वो पटवारी मेरे 100 रुपए नहीं लेगा। मैंने ऐसे ऐसे गांव देखे जहाँ पीने का पानी नहीं है, जहाँ आज भी रोड नहीं है, जहाँ लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, उन घरों को आबाद कौन करेगा? ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आपके निर्णय के बाद फैसला लेंगे, लेकिन फैसला लेने के बाद आप जो कहोगे वो काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरी माँ से और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मेरे बड़े भाई हैं, ये बात भी मैं दंगे की चोट पे कहता हूँ, कभी उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगा जीवन में। भारत माता की, भारत माता की।